हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो सब लोग? वीडियोस देखते आ रहे हो सब? लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना सब लोग। यस, मैक्स के बेसिक फंडेस के वीडियो से चालू किया था। उसके बाद अपने लॉन्ग डिवीजन पढ़ा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा, ये तीन चार चीजें मैंने पढ़ाई थी। आज अपने लोग सीखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंथ में भी वो कैरी फॉरवर्ड होता है पूरा का पूरा, पर जो मेन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसके लिए आज मैं तुमको आइडेंटिटीज पढ़ाने वाला हूँ। आज चार आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में चार आइडेंटिटी और आने वाली है। तो रेडी ऑल ऑफ यू, फोर आइडेंटिटीज अपने पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक बेसिक सम्स करवाऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में तुमको वापस मैं चार सम देने वाला हूं। वो चारों सम के मुझे आंसर्स तुम्हारे कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलो, पहली आइडेंटिटीज क्या होता है? आइडेंटिटीज अपन ने अगर अभी देखा था तो तुमने पढ़ी हुई भी होगी सबने, तो बेसिक आइडेंटिटीज चालू करते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है इसकी? ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। सब सोच रहे होंगे ये क्या है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। आइडेंटिटीज को याद करने का तरीका है। क्या है? आइडेंटिटीज को याद करने का तरीका है। वैसे याद मत करना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नहीं, हम लोग ऐसे याद करेंगे। अगर प्लस वाली आइडेंटिटी है तो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। क्लियर ऑल ऑफ यू? जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो ब्रैकेट में पुट कर देंगे, जो एक्स और वाई की वैल्यूज है वो ब्रैकेट में हम लोग पुट करते चलेंगे। चलो, तो इधर एक्स पुट किया, इधर एक्स, इधर वाई, इधर वाई, आई बात समझ में? तो मेरी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आएगा वो उधर ही, पर हमको ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है। कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए? ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। यस ऑल ऑफ यू। सेम आइडेंटिटी अगर मैं बात करता हूं माइनस के लिए, सेम आइडेंटिटी अगर मैं बात करता हूं माइनस के लिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। वापस हुई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। ऐसे याद रखना है तुम लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमको लेना देना नहीं है। हम लोग कैसे याद करेंगे? ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा एक्स, इधर आ जाएगा एक्स वाई वाई, दैट इज माई क्लियर आंसर। तो मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर ऑल ऑफ यू? दो आइडेंटिटी याद रखनी कंपलसरी है, टेंथ में भी काम आने वाली है सारी चीजें, और इलेवन ट्वेल्थ मैथ्स लोगे तो वहां पे भी काम आने वाला है। दो बेसिक आइडेंटिटीज मैंने कराई आज, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सम्स करेंगे इसके अभी, डोंट वरी, अभी इसके ही सम्स प्रैक्टिस करेंगे। चलो, नोटबुक लेके बैठे हो सब लोग? चलो पहला एग्जाम्पल करवा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर वन। अगर तुमको इक्वेशन दे दी ऐसी, थ्री एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर। क्या इक्वेशन दे दी तुमको? थ्री एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर। क्या होगा वो? चलो करते हैं। मैंने क्या सिखाया था वो ध्यान रखना, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। अब हमने क्या सीखा था? ब्रैकेट के अंदर हमको वैल्यूज पुट करनी है। क्या वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग? यहाँ पे थ्री एक्स, यहाँ पे थ्री एक्स, यहाँ पे टू वाई, यहाँ पे टू वाई। क्लियर ऑल ऑफ यू? आई बात समझ में? चलो, थ्री एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर नाइन, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व एक्स वाई, ट्वेल्व एक्स वाई मल्टीप्लाई में है, और ये हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर। दैट इज माई फाइनल आंसर, दैट इज माई फाइनल आंसर। आई बात समझ में? ये फर्स्ट आइडेंटिटी का एग्जाम्पल था। किसका एग्जाम्पल था? ये फर्स्ट आइडेंटिटी का एग्जाम्पल था। सेकेंड आइडेंटिटी का भी एक एग्जाम्पल कराते हैं, फिर लास्ट में सम्स करेंगे और प्रैक्टिस। एक एक एग्जाम्पल अभी साथ में देख लेते हैं, फिर लास्ट में और कर लेंगे, ठीक है? सेकेंड आइडेंटिटी का एग्जाम्पल, टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। क्या एग्जाम्पल दिया है मैंने? टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। चलो, क्या फॉर्मूला बताया था भाई लोगों मैंने? ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। आया सबको? यो यो, यस। ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं, टू एक्स वाई
यस, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर। ये हो गई मेरी दो आइडेंटिटी। आई बात समझ में सबको? यहां तक सबको क्लियर है? चलो थर्ड आइडेंटिटी करवा रहा हूं अब। थर्ड और फोर्थ आज करने वाले हैं अपने, ठीक है? फर्स्ट सेकंड भी कर ली, थर्ड फोर्थ कर ली, चार आइडेंटिटीज ही पढ़ने वाले हैं अपने, ठीक है? उसके बाद सेकंड वीडियो आएगा तुम लोगों के लिए, उसमें बाकी की चार आइडेंटिटी होगी। चलो थर्ड आइडेंटिटी ऐसी कुछ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी दी हमको? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी हो जाएगी? ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे एक्स है, y किसका स्क्वायर होगा? y स्क्वायर y का। y स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? y का। x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? x का। तो मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी x माइनस y और x प्लस y। आई बात समझ में सबको? थर्ड आइडेंटिटी देखो डिफरेंस है दोनों, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो बताता हूँ, बहुत जन कंफ्यूज होते हैं। ये पार्ट थोड़ा देखो साथ में समझ लो, यहाँ पे बहुत जन कंफ्यूज होते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कंसीडर तुम लोग को सेम ही लगती होगी कि दोनों तो आपस में इक्वल है, पर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैसे तुमको पता चलेगा? लेट एक्स इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू 3। कर सकता हूं मैं ट्राई? चलो करते हैं। इसमें पुट करता हूँ 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब 1 मेरा आंसर आ गया। इधर पुट करते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आया तो 7, कहाँ दोनों इक्वल है। इसलिए ध्यान रखना हमेशा हमेशा के लिए, ये दोनों चीजें कभी इक्वल होती नहीं है, ये दोनों आइडेंटिटी कभी भी इक्वल होता नहीं है। यस, थर्ड आइडेंटिटी क्लियर सबको? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। क्लियर? चलो फोर्थ आइडेंटिटी को मैं आइडेंटिटी नहीं गिनता, एक नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन गिनता हूं, मतलब कि अपन जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन सीखते आते हैं वही है। चलो कौन सी है फोर्थ आइडेंटिटी? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, मल्टीप्लाई करना आता है बस, ये वही मल्टीप्लीकेशन। देखो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस दो ब्रैकेट है, कौन से? दो ब्रैकेट है। देखो मतलब समझते क्या है ये ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे हमारा होगा फर्स्ट नंबर जो कॉमन है, एक्स कॉमन था एक्स होगा यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास नंबर होंगे कॉन्स्टेंट टर्म्स, क्या होंगे? कॉन्स्टेंट टर्म, जो ये दिया हुआ है ए और बी, तो ये आ गया ए प्लस बी। यहाँ पे एक्स और यहाँ पे दोनों कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे दोनों कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, तो मेरी आइडेंटिटी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये मेरी आइडेंटिटी हो गई फोर्थ। यस ऑल ऑफ यू, क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई परेशानी किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं सम्स की ओर। पहले थर्ड और फोर्थ की आइडेंटिटी के सम्स कराता हूँ, फिर एक पांच छह सम्स पूरे के कर लेंगे अपने, तो अपनी आइडेंटिटीज क्लियर हो जाएगी। यस ऑल ऑफ यू? चलो थर्ड आइडेंटिटी के रिलेटेड था हम, तो एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल तुमको ऐसा दिया है 4x² माइनस वाई स्क्वायर। क्या दिया है तुमको? 4x² माइनस वाई स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? इजी। हाँ क्या बताया था मैंने? ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर। क्या बताया था मैंने? ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर। अब ब्रैकेट में वैल्यू क्या है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में वैल्यू क्या लेनी है हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हमारे लिए है। फोर किसका स्क्वायर है? टू का स्क्वायर है। एक्स एक्स का स्क्वायर है। वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है? वाई का स्क्वायर है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इस आइडेंटिटी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था ये आइडेंटिटी का। अब ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और 2x प्लस वाई। क्लियर ऑल ऑफ यू? आई सबको बात समझ में? कोई परेशानी किसी को यहां तक? चलो एक फोर्थ आइडेंटिटी का सम करते हैं, उसके बाद बेसिक सम्स वापस चालू कर लेंगे। फोर्थ आइडेंटिटी का सम्स करते हैं एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ऐसा ही कुछ आइडेंटिटी थी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। चलो क्या बताया था? पहले का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एक बड़ा ब्रैकेट एक छोटा ब्रैकेट दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में। ब्रैकेट के हिसाब से याद करो बहुत इजी हो जाएगा। देखो फर्स्ट नंबर एक्स, दोनों का नंबर का प्लस, टू प्लस थ्री, इधर एक्स इधर टू इधर थ्री। आई बात समझ में सबको? चलो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
ये हो जाएगा 2 + 3 5x, वो हो जाएगा 2 × 3 6, वो हो जाएगा 2 × 3 6। क्लियर ऑल ऑफ यू? यो यो यस, चारों आइडेंटिटी मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो चुकी है। अब थोड़े सम्स करवाता हूं उसके, मैं उस बेसिस पे, उन चार आइडेंटिटी के बेसिस पे थोड़े सम्स अपने देखने जा रहे हैं। चलो सबसे पहला सम ठीक है, अगर तुमको कुछ ऐसा दिया है क्या सॉल्व कर लोगे? सबसे पहली चीज मुझे स्टेप आइडेंटिफाई करना है, कौन सी आइडेंटिटी लगी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरे लिए, कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। माइनस है, होल स्क्वायर है, मतलब आइडेंटिटी नंबर सेकेंड, आइडेंटिटी नंबर सेकेंड, ध्यान रखना सब लोग ये, ठीक है। चलो सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। यस ऑल ऑफ यू यस। चलो 3x 3x 2y और 2y, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो 12xy प्लस 4y स्क्वायर, दैट इज माय आंसर। इसको फर्दर सॉल्व करना नहीं है, ये फर्दर सॉल्व होने वाला भी नहीं है, कोई प्लस मत कर देना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को प्लस कर दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू यस। चलो सेकेंड एग्जाम्पल, कोई भी आइडेंटिटी दे सकता हूं मैं, तुम चार में से कोई भी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, अपने को क्लिक करना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी का कौन सा सम दिया है सर ने। यस चलो ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी है फटाफट। ओ इसमें तो नीचे नंबर है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आइडेंटिटी पहचानो पहले, बीच में प्लस यस, होल स्क्वायर यस, आइडेंटिटी नंबर वन, आइडेंटिटी नंबर वन, ठीक है। चलो लगाते हैं, क्या थी आइडेंटिटी नंबर, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो जाएगा पहला ब्रैकेट वाई और वाई यस। चलो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस 2xy अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई बात समझ में, सेकेंड सम ऑल्सो क्लियर ऑल ऑफ यू। यो यो आगे बढ़ते चले, सॉल्व करते रहना साथ में भाई लोगों, ठीक है सब साथ में सॉल्व करते रहना। चलो थर्ड सम की ओर बढ़ते हुए, 3x अपॉन 2 माइनस 2y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अरे तो बहुत अच्छा हो गया, दोनों में अपॉन है ठीक है, होल स्क्वायर है ठीक है, बीच में माइनस है ठीक है, आइडेंटिटी नंबर सेकेंड, आइडेंटिटी नंबर सेकेंड, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 3x अपॉन 2, यहाँ पे भी 3x अपॉन 2, यहाँ पे 2y अपॉन 3, यहाँ पे 2y अपॉन 3, हाँ यस। चलो 3x का कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 4, 9x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, देखो ये क्या हो, अरे तो बहुत कुछ आ रहा है नीचे ऊपर सब कुछ, ये 3 3 गया हाँ, ये 2 2 गया हाँ, क्या बचेगा सिर्फ 2xy बचेगा सिर्फ, प्लस ये हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 9, क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 9। यस ऑल ऑफ यू, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ध्यान इधर ही सबका, आइडेंटिटीज कुछ भी दे सकता हूं मैं इसलिए। वाह भाई वाह, कौन सी आइडेंटिटी, अरे तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, फर्स्ट नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है, सेकंड नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है, फोर्थ नहीं है, कौन सी बची, थर्ड आइडेंटिटी हुई, कौन सी बची, थर्ड आइडेंटिटी। चलो क्या लग रहा है, अरे हाँ यार ये तो किसी का स्क्वायर है, दोनों नंबर देखो किसी ना किसी के स्क्वायर है, ये हो जाएगा 5y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्या बोलते हो आया समझ में। चलो तो ये हो जाएगा 5y माइनस 10 और ये हो जाएगा 5y प्लस 10, क्लियर ऑल ऑफ यू। चलो वेरी गुड वेरी गुड, बढ़ते चलो, कॉपी करते रहना, सॉल्व करते रहना साथ साथ में। फिफ्थ एग्जाम्पल की ओर बढ़ चुके हैं अपने, ठीक है चलो कुछ नया लाते हैं अब सब में। ओ माय गॉड ये क्या, ऐसी तो कोई आइडेंटिटी सर ने नहीं सिखाई, कोई टेंशन नहीं मैं बैठा हूं ना, क्या करेंगे, चलो फोर्थ आइडेंटिटी यस, क्योंकि ऐसी आइडेंटिटी सिर्फ फोर्थ में हमने सीखी है। चलो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट
बड़ा एक छोटा प्लस दो ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन, इधर आ जाएगा एक्स माइनस थ्री माइनस टू। देखो ध्यान रखना, जो साइन है वो साइन के साथ ले रहा हूं, माइनस था माइनस लिया, माइनस था माइनस लिया, इधर एक्स इधर माइनस थ्री इंटू माइनस टू। समझ पड़ा, साइन के साथ लेना है आइडेंटिटी फोर्थ में, ये खास करके ध्यान रखना, और किसी आइडेंटिटी में साइन के साथ नहीं लेना, खास करके फोर्थ में लेना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इजिकल्स टू जीरो। आ रहा है ना अब तो सबको, पांच एग्जाम्पल किए, ऊपर चार और कर ली है, इससे ज्यादा तो क्या करोगे। चलो पांच और अच्छे अच्छे सम्स करवाऊंगा मैं अभी तुमको, लास्ट फाइव सम्स है, उसके बाद चार सम्स तो अपना सुगुन है। चलो सिक्स्थ सम की ओर बढ़ते हुए अपने लोग, सिक्स्थ सम की ओर बढ़ते हुए, चलो ध्यान यहां पे सबका। ओ माय गॉड, ये तो कौन सी आइडेंटिटी यार, ऐसे तो कोई सिखा ही नहीं, इसलिए तो मैंने ब्रैकेट वाला सिखाया था। क्या फंडा होगा, ये आइडेंटिटी फोर्थ है, कौन सी आइडेंटिटी है फोर्थ। देखो ब्रैकेट वाला फंडा क्या होगा, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट। इधर क्या आएगा, जो फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर क्या है मेरा दोनों में 2x, फर्स्ट नंबर क्या है मेरा दोनों में 2x, यहाँ पे 3 माइनस 2 इसकी प्लस इसकी माइनस, यहाँ पे 2x आएगा, x मत लिखना, यहाँ पे भी 2x आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस 2। कैसा लगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1, ये हो जाएगा 2x, वो हो जाएगा माइनस 6। कैसा लगा सबको, आया समझ में, पक्का पक्का, कोई परेशानी नहीं। चलो नेक्स्ट सम की और वापस बढ़ चुके हैं हम लोग। अरे यार ये तो आइडेंटिटी पहचान में आ गई होगी अब तो सबको, दो अलग अलग नंबर पे स्क्वायर है अगर, तो वो आइडेंटिटी कौन सी है, थर्ड नंबर, वो आइडेंटिटी कौन सी है, थर्ड नंबर। चलो ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, वाई स्क्वायर किसका है, वाई का, 100 किसका है, 10 का, एक्स स्क्वायर किसका है, एक्स का। अरे यार अब तो इजी हो रहे हैं सम, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े हार्ड सम देने पड़ेंगे तुमको, ये तो तुम बहुत इजीली सॉल्व कर पा, क्या बोलते हो, हो गया सॉल्व, यस वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी, है ना। चलो एक सम और, अगर कुछ ऐसा आता अब क्या करते, आइडेंटिटी नंबर थर्ड स्क्वायर है, अरे 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, क्या करोगे। चलो हमको तो सर ने सिखाया था, रोहित सर ने, हम तो वही करने वाले हैं, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, टी स्क्वायर किसका हो गया, टी का, 15 किसी का नहीं है तो क्या मैं रूट 15 बोल सकता हूँ उसको, है ना, क्या मैं रूट 15 बोल सकता हूँ उसको, हाँ मैं रूट 15 बोल सकता हूँ उसको, तो ये मेरी आइडेंटिटी हो जाएगी टी माइनस रूट 15, ये हो जाएगा टी प्लस रूट 15। आई बात समझ में सबको, कोई परेशानी किसी को, ऑल ऑफ यू क्लियर ऑल द थिंग्स, पक्का लास्ट दो सम करवा दूं कि और करवाऊं, लास्ट दो सम्स की और, तुम जैसा बोलोगे वैसा। चलो दो सम कर लेते हैं, कौन सी आइडेंटिटी, ये तो बहुत इजी है, फर्स्ट आइडेंटिटी, अब तो तुमको याद हो गई होगी, है ना, याद हो जानी चाहिए, नहीं हुई तो याद कर लेना, नहीं तो नाइन्थ पास नहीं हो पाओगे। चलो ये 3x, ये 3x, y अपॉन 2, y अपॉन 2, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2 और 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 3xy, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4, क्या बोलते हो, आया समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट सम था 8th वाला, अभी तक रूट वाला कन्वर्जन वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी तुम्हारी, आया इतना समझ में सबको, कोई परेशानी किसी को, कोई भी नहीं। चलो लास्ट सम करते हैं, आइडेंटिटीज क्लियर हो जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। इसमें देखो एक आइडेंटिटी में ऐसा सम भी पूछते हैं, कैसा, चलो दे देता हूं तुमको मैं, 103 into 97, कैसे सॉल्व करोगे ये सम्स को, वैसे ही करना, आइडेंटिटी देखो बन जाएगी कैसे, 100 + 3, 100 - 3, है ना, 100 + 3, 100 - 3, कौन सी आइडेंटिटी हो गई है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो क्या होता है, उल्टे स्टेप चल गए, देखा, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस कर दो दोनों को, तुमको आंसर मिल जाएगा।
आई बात समझ में सबको? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स थे, कैसे थे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? आया सबको समझ में? कोई परेशानी कोई भी आइडेंटिटी में? तुमको सारी आइडेंटिटी रिवाइज करनी है, आज तुम्हारा काम है चारों आइडेंटिटी रिवाइज करोगे, चारों के सम्स सॉल्व करोगे। मैंने कम से कम 10 to 15 सम्स करवा दिए हैं सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट अपना है कि मैं नेक्स्ट चार आइडेंटिटी के लिए तुम्हारे लिए और चीजें बनाने वाला हूं। उसके बाद एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें सब कुछ मिक्सर आएगा, फर्स्ट आइडेंटिटी भी, सेकेंड आइडेंटिटी भी, रिवर्स सम भी, रिवर्स सम भी। तो वो चीज तो बहुत काम आएगी तुम्हारे, रिवर्स ऑर्डर वाले सम्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो तुम्हारे लिए। यस ऑल ऑफ यू, कोई को कुछ भी परेशानी हो आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। सूरत वासियों के लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, बाकी जो बार वाले हैं वो आराम से मुझे पूछ सकते हैं। यस ऑल ऑफ यू, चलो बाय बाय।